प्रणाम, मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कांदिवली पश्चिम के एकता नगर के पास स्थित गणेश नगर के कथा मैदान में भारतीय जनता पार्टी चार को विधानसभा वार्ड क्रमांक 31 पुरस्कृत पंडित दीनदयाल वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा भव्य नवरात्रि उत्सव एवं भोजपुरी दांडिया कार्यक्रम का आयोजन इस वर्ष किया गया है। इस कार्यक्रम का भूमि पूजन एवं प्रेस कॉन्फ्रेंस समारोह 2 अक्टूबर को रखा गया था। इस मौके पर नगर सेवक कमलेश यादव, मंडल अध्यक्ष एवं नगर सेवक दीपक बाला तावड़े, भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री शिखा मिश्रा, समाज सेवक दिनेश सिंह, संस्था अध्यक्ष चुनीलाल चौहान, सचिव ठाकुर संजय सिंह, कोषाध्यक्ष रवि जायसवाल, महिला अध्यक्षा रानी सोनकर, व्यवस्थापक किशन यादव, मीडिया प्रभारी गोविंद ठाकुर सहित भारी संख्या में पदाधिकारी उपस्थित थे। उपस्थित लोगों ने इस मौके पर भोजपुरी दांडिया आयोजित नवरात्रि उत्सव के संबंध में क्या कुछ कहा, पेश है एक खास रिपोर्ट। किया गया है, जो आयोजक हमारे हैं संजय भाई हैं, चुनीलाल चौहान जी हैं, दिनेश सिंह जी हैं, इन सारे लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, मुंबई शहर में सभी लोग मुंबई शहर को अपना समझ करके और सारे त्योहारों को अपना समझ करके मनाते आए हैं। तो नवरात्रि का जो डांडिया होता है गुजराती लोगों का होता है, उत्तर भारतीय लोग भी उतने ही प्यार से उतने उत्साह से शामिल होते हैं। तो इनकी जो परिकल्पना है कि भोजपुरी का मतलब है कि भोजपुरी कलाकार हों, भोजपुरी ढंग से नवरात्रि का उत्सव मनाया जाए, यही इनकी परिकल्पना है। और मेरी माता रानी के चरणों में प्रार्थना है कि पहली बार मुंबई शहर में ऐसा एक आयोजन होने जा रहा है, उसमें माता रानी उनमें काम करने की उन्हें क्षमता दे और अच्छे ढंग से काम संपन्न कराए। भोजपुरी के विशेषकर कई कलाकारों को यहाँ आमंत्रित किया जाने वाला है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? अरे भाई, भोजपुरी के कलाकार आएंगे, भोजपुरी के प्रति लोगों की जो श्रद्धा है और भोजपुरी कलाकारों का जो लोगों के लिए प्यार मोहब्बत है, एक दूसरे के लिए वो काम आएगा। और मैंने पहले जैसे कहा कि भोजपुरी कार्यक्रम है, तो भोजपुरी सब, चाहे फिल्म हो, चाहे कलाकार हो, चाहे और रंगमंच हो, सारे जुड़े हुए जो लोग हैं इस कार्यक्रम में आएंगे। सुरक्षा को लेकर क्या करेंगे? सुरक्षा पब्लिक खुद कर लेगी, और उत्तर भारतीय इतने सक्षम है, सुरक्षा कर लेंगे, उसके लिए एकदम चिंता मत करिए। दीनदयाल उपाध्याय ट्रस्ट के माध्यम से ठाकुर संजय सिंह, ठाकुर दिनेश सिंह जी, सुनीला चौहान, या हमारे सभी साथी मिलकर इस गणेश नगर और चारकोप परिसर में भोजपुरी डांडिया रस का आयोजन कर रहे हैं। माता रानी की सेवा करने का उन्होंने यहाँ पर प्रयास किया है। इस जुगली झोपड़ी के अंदर एक अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम, भारत की संस्कृति जो हम जैसे महाराष्ट्र में गणपति जी सभी धर्म के लोग मनाते हैं सार्वजनिक गणेश उत्सव, उसी प्रकार से इस डांडिया को इस विभाग में लाने का दीनदयाल उपाध्याय ट्रस्ट के सभी मेरे सहकारी और विशेष रूप में कमलेश भाई जी और सभी लोग ये कर रहे हैं। इस परिसर के लोगों को उसका भी लाभ मिलेगा। मैं उनको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और माता जी से प्रार्थना करता हूँ कि इस विभाग में अच्छी तरह से सुख संपत्ति और सभी को सांस्कृतिक का, या हमारे भारत की संस्कृति सबको जानने का एक मौका मिला है, उसका आनंद ले हुए ऐसी मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। ये ऐसा है
हम लोग उत्तर भारतीय समाज से हैं और उत्तर भारतीय समाज यहाँ पे मुंबई में और महाराष्ट्र में आज से नहीं 1960 से लोग यहाँ पे मुंबई में हमारा समाज आकर अपने रोजी रोटी रोजगार में लगा, लेकिन उसके साथ साथ में इस मुंबई के विकास में भी हमारे उत्तर भारतीय समाज का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर भारतीय समाज के जो लोग हैं, जो पहले के बातें कुछ अलग हुआ करती थी कि उनका एकमात्र उद्देश्य था कि आके अपना रोजी रोटी करना और यहाँ से मनियाडर गांव में भेजना, लेकिन अब हालत ऐसी है कि लोगों का परिवर्तन आया है और लोग यहीं बस गए हैं और यहाँ की जो संस्कृति है, आपने देखा होगा कि हमारे उत्तर भारत में गणपति भगवान का उत्सव इतना बड़ा नहीं होता जिस असर से महाराष्ट्र में खासकर मुंबई में होता है। तो हमारा जो उत्तर भारतीय समाज है आप देखेंगे कि एकदम दिलो जान से लगा हुआ है। हर पंडाल में आप जाके देखिए, जहाँ जहाँ भी उत्तर भारतीय समाज है वो जाकर गणेश उत्सव करता है, ठीक उसी तरह से हमारे यहाँ खास करके कलकत्ता में उत्तर भारत में दुर्गा पूजा होता है, गुजरात में नवरात्रि होती है और मुंबई में भी जब से हम लोग हैं यहाँ पे, हमारा समाज जब से उत्तर भारतीय समाज है, सभी लोगों ने नवरात्र उत्सव भी माता जी का हमेशा यहाँ पे 9 दिन का व्रत रखकर पूजा पाठ करना, नवरात्र उत्सव करना, डांडिया करना, डांडिया देखना हम लोग हमेशा यहाँ करते आए हैं। इस बार ऐसे मन में आया कि जो उत्तर भारतीय हमारा समाज है, खास करके भोजपुरी, जो भोजपुरी फिल्मी जो दुनिया है जो आज काफी आगे गई है, आज वो जो भोजपुरी के जो मांग है मैं देख रहा हूँ विदेशों में भी हो रहा है। आज जो हमारे कलाकार है, जो मनोज तिवारी हो गए या निरहू हो गए या दिनेश लाल हो गए, कमाल, मतलब तमाम तरह के, हमारी बहन जो बीच में बैठी है खास करके संजो की बात देखिए, हमारे जिले देवरिया से हैं ये शिखा मिश्रा जी, इनका भी बहुत फिल्मों में इनका काम आया है और लोग हमेशा इनको सराहा है। तो आज जो उत्तर भारत का जो खास करके भोजपुरी का जो फिल्म सिटी में जो आगे जो प्रसार बढ़ रहा है, इस सब देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद हम लोग एक दिन बैठे थे दिनेश भाई, चुन्नीलाल चौहान जी, सभी लोग, कि हम लोग के मन में आया कि क्यों ना एक हम लोग भोजपुरी डांडिया के रूप में, जो हम लोग के बीच में यहाँ पे मैदान भी है, पहले नहीं था लेकिन गोपाल सेट्टी जी जो हम लोग के सांसद हैं काफी यहाँ पे काम करके दिए, हमारे आमदार रघु सागर जी ने यहाँ पे देखिए इतना बड़ा सेट लगा के दिए हैं, तो इसका लाभ लिया जाए और हमारे समाज को भी उससे सीखने को कुछ मिले और हमारा समाज भी जो इधर उधर भटकता है वो अपने समाज में, और खास करके जो हम लोगों ने आमंत्रित करने की कोशिश किया है शिखा मिश्रा जी के प्रयत्नों से कि अच्छे अच्छे कलाकार जो सिंगर हैं या हीरो हैं या हीरोइन हैं या डायरेक्टर हैं, प्रोडक्टर हैं, जो भी हैं, हम उनको यहाँ बुलाएंगे, उनका सत्कार कराएंगे और लोगों का साथ में मनोरंजन भी करेंगे, इतना ही हम लोग की कल्पना है। देखिए हम लोग का शुरुआत इसलिए सोच के हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ने ना कोई टिकट लगाया है ना कोई पास लगाया है, हर जगह डांडिया में पास और टिकट है, हम लोग का इसके पीछे कोई मनोरंजन करना है केवल, ये पैसा कमाना है या इसके पीछे जाके और कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं है हम लोग का। अगर ये कार्यक्रम हम लोग का सफल रहा तो ये हर साल हम लोग करने की कोशिश करेंगे और लोगों का सेवा कर सके, हमारे समाज भी को भी जो हमारे समाज के लोग हैं उनको बुला के हम सत्कार कर सके, उनको सम्मानित कर सके, इतना ही भावना हम लोग के बीच में है। इतना बड़ा कार्यक्रम ले रहे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम करें? जरूर, हमारी सरकार है, पुलिस प्रशासन है और खास करके जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ट्रस्ट के जो लोग हैं वो पूरा रहेंगे व्यवस्था में, हम खुद करेंगे। कुछ भी कहने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मैं श्री संजय सिंह जी की और चुन्नीलाल चौहान जी की और श्री दिनेश सिंह जी और किशन यादव जी की दिल से आभार उनका व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज यहाँ आने का मुझे आमंत्रित किया और मुझे मीन्स पहली बार जैसा कि मुझे सुनने में आया कि भोजपुरी डांडिया का प्रोग्राम सब लोग मिलकर कर रहे हैं, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। जैसा कि मैं देवरिया से हूँ और मेरा ननिहाल गोपालगंज है, तो बिहार और यूपी दोनों से मेरा रिश्ता है और मेरे शरीर में वहाँ का खून दौड़ता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि पहली बार मुंबई में भोजपुरी डांडिया का मीन्स आयोजन हो रहा है और वो किया जा रहा है, तो इससे ज़्यादा हम लोग के लिए खुशी की बात नहीं होगी क्योंकि मैं खुद भोजपुरी फिल्में करती हूँ और भोजपुर से और भोजपुरी भाषा से और भोजपुरी के लोगों से एक अलग सा लगाव है, जो हम किसी भी देश में दुनिया में चले जाएं लेकिन अपनी भाषा और अपने लोग हमेशा दिल के करीब रहते हैं, तो बस मैं आप सबकी आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। भोजपुरी के जो कलाकार हैं आपके माध्यम से किस तरह से इस डांडिया में सहयोग करेंगे और उपस्थिति दर्ज कराएंगे? सबसे पहली बात तो
मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझसे ज़्यादा कैपेबल तो यहाँ इतने मतलब मीन्स कह सकते हैं कि महानुभाव बोल सकते हैं कि वो खुद ही इतने कैपेबल है कि सबको यहाँ बुला सकते हैं, लेकिन हाँ अगर जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मेरे सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कोशिश करूँगी। जैसे पवन जी के साथ मेरी फिल्म आई थी धड़कन, जो कि बहुत सुपर डुपर हिट हुई थी, और खेसारी जी भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त कहिए या मतलब अच्छे मित्र हैं, और सारे भोजपुरी के स्टार मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो अगर कोशिश करूंगी कि अगर मैं किसी को भी यहाँ आने के लिए मैं उन्हें मतलब तैयार कर पाऊँ। आप कितने दिन यहाँ उपस्थित होकर यहाँ के भक्तों को यहाँ के दर्शकों को मदद करेंगे? मुझे जब तक ये लोग बुलाएंगे पूरा 9 दिन ठीक है ना, 9 दिन तो माता रानी भी रहती हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी बात है तो मैं यही सोच लूंगी कि मुझे भी रहे ना। जी तो मैं यही सोचूंगी कि मुझे भी 9 दिन रहना है माता रानी के साथ, और नवरात्रि के अवसर पर अगर मुझे 9 दिन रहने का सौभाग्य। सभी मीडिया वालों को मैं पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों ने इस तरह के भूमि पूजन का जो आज यहाँ पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं भोजपुरी नवरात्रोत्सव का, मैं सुखा मिश्रा जी को भी धन्यवाद करूँगा। उन्होंने हमारे बुलावे पर उन्होंने हमें समय दिया। और सुखा मिश्रा जी अभी अपने उन्होंने अपने मित्रों से कहा है कि धड़कन फिल्म में तो कौन सिंह जी के साथ उन्होंने काम किया है। धड़कन फिल्म मैंने देखी तो नहीं है, लेकिन उसके गाने काफ़ी हिट हुए थे, वो सुपर हिट फिल्म थी। तो जो हम लोग ये भोजपुरी नवरात्र उसको कर रहे हैं कि भोजपुरी का समाज को जगाने का हम लोग अपना एक छोटा सा लोगों को हम लोग अपनी तरफ से निमंत्रण देते हैं, और आपके माध्यम से जो भी नवरात्र मिलते हैं आप उन्हें जरूर हमारे फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।